तंजीम इज़्लाहुल मुस्लिम के बैनर तले खोरी महुआ अनुमंडल के समक्ष उर्दू का हक देना होगा को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर सरकार को उर्दू का हक देने की बात कही गई। वर्षों से जो उर्दू का हक मिलता आ रहा है उसे पुनः श्वेता लागू करने की आवाज उठाई गई। मौके पर कहा गया कि उर्दू स्कूलों की पुरानी मान्यता बहाल करो, उर्दू के साथ सौतेला सलूक बंद करो, अकलियतों के साथ भेदभाव बंद करो, प्लस टू में उर्दू शिक्षकों का पद बनाओ, उर्दू एकेडमी मदरसा बोर्ड का गठन करो, उर्दू स्कूलों में उर्दू लिपि की किताबें देना होगा, आठवीं बोर्ड में उर्दू को पूर्व की तरह मुख्य विषय बनाओ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष शहादत अंसारी, सचिव पप्पू खान, मंच संचालक मीडिया प्रभारी असरार आलम, जीप सदस्य इरमान अंसारी, मुखिया नसीम राही, मुखिया सब्बीर आलम मौलाना, इलियास नजमुल हक, मुखिया अबूजर नौमानी, जुनैद आलम, खलील राइन सज्जाद निजामी, मुख्तार अंसारी, वहाब खान, मौलाना मुस्तकीम अंसारी, शहाब उद्दीन अंसारी, इजमाम उल हक, मिराज अंसारी, अबू बकर राजा, जीशान खान, अहमद राजा, नूरी समेत सैकड़ों की तादाद में लोग महाधरना में शामिल हुए। धरना खोरी महुआ अनुमंडल के सामने तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन गिरिडीह के द्वारा किया गया, जिसमें हम लोग शांतिपूर्वक सरकार से यह मांग रख रहे हैं कि जो उर्दू स्कूलों में जो सुविधाएं पूर्व में दी जा रही थी, जैसे जुमा के दिन का जो छुट्टी था और इतवार के दिन पढ़ाई होती थी, जो प्रार्थना होता था वो हाथ बांध के किया जाता था, उसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं था कि आपको हाथ जोड़ के करना है। क्योंकि देखिए, ये इंडिया जो है, भारत जो है, सो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सभी को अपना कास्ट, अपना रिलीजन के हिसाब से अपना निर्वहन करने का राइट प्राप्त है, उन्हें अधिकार प्राप्त है। तो जहाँ तक हमने अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के उर्दू स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो इस आज एक दिवसीय महाधरना आज यहाँ का हम लोग इसके माध्यम से सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यकों का जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके तुरंत ही अपना स्तर से कार्रवाई करते हुए उसको रोके और तमाम जो भी सुविधाएं पूर्व में दी गई थी उसको बहाल करे, उर्दू शिक्षकों की बहाली करे, उर्दू बोर्ड का गठन करे। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो चरणबद्ध आंदोलन पूरे झारखंड में सरकार के विरुद्ध किया जाएगा। आज तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन गिरिडीह के बैनर तले अनुमंडल खोरी महुआ में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें हज़ारों लोगों की तादाद में लोग आए। हमारी जो मांगे हैं वो चुनिंदा मांगे हैं। ये सरकार जो हमेशा से अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयास कर रही है, कभी उर्दू के नाम से, कभी उर्दू के विद्यालय में जुमा की छुट्टी जो होती थी, संडे को जो मैंने छुट्टी संडे को कर दिया, फ्राइडे को जो छुट्टी होती थी उसको हटा देना, हमें प्रार्थना करने के लिए, हमारे पास में, हम लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ पर हम लोगों के पास में ये अधिकार था कि हम लोग वहाँ पर प्रार्थना करने जाते थे। कोई बच्चा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता तो हम लोग भी हाथ बांध करके प्रार्थना करते थे, कभी दिक्कत नहीं हुई, हम लोग भाईचारे के साथ में रहते थे। लेकिन ये सरकार तुगलकी फरमान लेकर के आ जाता है कि सभी बच्चों को हाथ जोड़ करके ही प्रार्थना करना पड़ेगा, तो मैं ये तुगलकी फरमान को नहीं मानता। तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन आज ये छोटा सा विरोध कर रहा है, आने वाले दिन में अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो हम लोग पूरे गिरिडीह जिला में, पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इससे उग्र आंदोलन होगा।